हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम नितीश मिश्रा एंड आज की इस वीडियो में हमारे साथ है सीए अमन झा। एंड आज की इस पॉडकास्ट में हमने उनकी पूरी सीए जर्नी को कवर किया है कि कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे प्रिपरेशन की एंड क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं सीए एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एंड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी क्या क्या नए नए चेंजेस आए हैं एंड कौन कौन से स्मार्ट वे हैं पढ़ने के लिए एंड अब सीए स्टूडेंट्स के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड इसके अलावा इंडिया में जो स्टार्टअप्स हो रही है उनकी क्या रियलिटी है एंड बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो बनने से पहले ही फेल हो गए बिकॉज वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए, वो लैमलाइट में नहीं थे क्योंकि उनकी मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाई। एंड बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स भी हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं बट बिकॉज ऑफ द कोविड उन पे एक बहुत बड़ा असर पड़ा है एंड एक स्टार्टअप में गवर्नमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है, आज की इस पॉडकास्ट में हम इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड हियर इज द कॉन्वर्सेशन। हेलो अमन सर, ठीक हो आप? क्या हाल है आपके? या इट्स ऑल गुड नितीश, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ग्रेट एंड करेंटली आई एम इन कोलकाता सो वेदर इज आल्सो अमेजिंग देयर। यू से व्हाट अबाउट इन दिल्ली? How is everything is going? कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ ठीक चल रहा है एंड थोड़ा सा यहाँ बारिश का माहौल है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो पॉडकास्ट के लिए मैंने 15 डेज पहले ही मैसेज किया था इनको, बट इनके बिजी शेड्यूल में से मुझे आज का डेट मिला है, सो थैंक यू सो मच इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो थैंक यू नितीश फॉर वेटिंग फॉर दैट। एक्चुअली थोड़ा अपने को ये अच्छे से करना था, इसलिए आई थॉट कि जब हॉलीडे सीजन आने वाला है ईयर एंड में तो क्यों नहीं अपने किसी छुट्टी के दिन करते हैं, सो ताकि अपने पास सफिशिएंट टाइम हो एंड विल कैप्चर एवरीथिंग व्हाट यू वांट टू कैप्चर रिलेटेड टू दैट पॉडकास्ट। या थैंक यू सो मच, नहीं थैंक यू सो मच। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि लाइक हाउ इज योर लाइफ गोइंग एज अ सीए अमन झा राइट नाउ? या इट्स गोइंग अमेजिंग एज यू नो दैट्स वी आर कमिंग फ्रॉम अ लॉयर मिडिल क्लास फैमिली और बाकी जो चीजें होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है तो ये सब चीजें से शायद लगता है कि एक हद तक ओवरकम हो जाता है। सीए इज इन इटसेल्फ ए ब्यूटीफुल जर्नी ड्यूरिंग द कोर्सेज, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज वेल एंड आफ्टर द सीए, दैट्स द टू लेटर व्हिच चेंज द माय लाइफ, द वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, द वे ऑफ लिविंग, द everything has changed because of that courses and that tool later, so I'm very grateful about it. All right, so sir, mera jo sabse first question aapse like wo ye hai ki like यू नो सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो यू नो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि लाइक उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि सीए कैसे बनते हैं या यू नो क्या पढ़ना पड़ता है या कितना टाइम एंड एनर्जी उसमें डालना पड़ता है, बट स्टिल वो सीए एज अ प्रोफेशन को इतना बड़ा बना देते हैं कि लाइक जो स्टूडेंट 3-4 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होते हैं, तो लाइक इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लाइक आपने देखा ऐसा कुछ पहले? सो देखो क्या है कि सीए की प्रिपरेशन नॉर्मली आफ्टर प्लस टू स्टार्ट होता है, इफ यू आर सो बेसिकली दो रूट है यहाँ पे, एक नॉर्मल रूट है जिसमें आप 12th के थ्रू आते हैं, वहाँ पे एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे अभी अपने फाउंडेशन एग्जाम कहते हैं। वंस यू क्लियर दैट देन यू हैव टू अटेंड द आईपीसीसी एग्जाम एंड आफ्टर दैट 3 इयर्स ऑफ इंटर्नशिप एंड देन सीए फाइनल, जो लास्ट 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप है तो उसमें आपको सीए फाइनल अटेंड करना होता है, ये इनका करिकुलम है। और दूसरा तरीका है कि अगर मान लो किसी ने फाउंडेशन नहीं क्लियर किया है जो पहला 12th के बाद है तो वो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री रूट से आईपीसीसी में जा सकता है। तो ये तो इनका प्रोसीजर हो गया स्टेप वन की कितने टाइम लगते हैं। सो अगर आपका सारा कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है तो 4 to 4.5 years मैक्स, 4.5 years इज मैक्सिमम 12th के बाद आपको लगता है सीए की डिग्री हासिल करने में, अगर आपका सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है। अब आते हैं कि हाइप तो है सोसाइटी में, दैट्स दिस इज ए वेरी हार्ड कोर्स एंड मे बी द एवरेज स्टूडेंट कांट अफोर्ड इट, जो एवरेज है पढ़ने में, लेकिन व्हाट्स द माय एक्सपीरियंस कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स डिमांड या वॉल्यूम इस कोर्स का बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स हार्ड है, पेशेंस चाहिए और तभी रिवार्ड भी है। सो अगर ये थोड़ा सा टेक्निकल और थोड़ा सा टफ कोर्स नहीं रहता तो उस लेवल का रिवार्ड नहीं रहता तो मेरे अकॉर्डिंग, बट इतना भी ये नहीं है हाइप जितना है सोसाइटी में कि नहीं हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है। सो अगर तुम प्लानिंग करके करते हो, प्रॉपर स्ट्रेटेजी है तुम्हारे पास एंड That doesn't mean कि तुमको 16-17 घंटा पढ़ना है,
नॉर्मल स्टडी करते हुए कॉलेज को कवर करते हुए बस प्लानिंग होना चाहिए एवरी डे का. व्हेन यू टेक द चार्ज ऑफ योर टाइम कि तुम्हारा टाइम कहाँ पे जा रहा है, देन सीए क्या कोई भी कॉम्पिटिशन तुम बहुत ही आसानी से निकालोगे. तुम जैसे ही प्लानिंग करते हो अपने और उसे एक्सिक्यूट कर पाते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू एक्सिक्यूट योर प्लानिंग. तो अगर एक्सिक्यूट कर पाते हो अपने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को तो तुम ऐसे ही 80% लोगों को पीछे छोड़ देते हो. तो इतना कोई हाइप जितना है रियलिटी वो नहीं है. रियलिटी है कि अगर तुम प्लानिंग करके करो तो कोई भी निकाल सके. इवन वैसे भी स्टूडेंट निकाले हैं जिनका 12th में हो सकता है किसी विषय में कंपार्टमेंटल लग गया और बाद में वो सीए बन गए, तो ऐसा भी केस नहीं, ऐसे चलता है क्योंकि बिकॉज हम देखते हैं रोज अपनी लाइफ में, सो दैट्स व्हाई. और दूसरा ये है कि लाइक ये तो एक फैक्टर है ही, बट ये जो बोला जाता है उससे डिमोटिवेट होते कहीं ना कहीं, तो आई थिंक वो स्टूडेंट में पेशेंस होना चाहिए जो आपने बहुत सही बोला. सो बेसिकली स्टूडेंट में ये चीज होता है दिमाग में, एक होता है ना मेंटल सेटअप हो जाता है सुनते सुनते, द सर्कमस्टेंसेस और एनवायरमेंट वो सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं. सो स्टूडेंट हैज टू थिंक लाइक दैट कि उनको बाहर की चीजों से अपने को प्रभावित नहीं होने देना है. ये एक लॉन्ग जर्नी वाला कंपटीशन है, मतलब दिस इज नॉट ए काइंड ऑफ कंपटीशन जैसे मान लो बैंक पीओ का हो गया. सपोज करो एक जनरल कंपटीशन है बैंक पीओ, तुमने आज एग्जाम में दिया, एक महीना बाद रिजल्ट आया, पास या फेल इट्स डिसाइडेड इन ए वन मंथ, ज्यादा से ज्यादा 2 to 3 months, आइदर यू गेट ए जॉब और यू रिजेक्ट इट. सो दैट्स, तो ये शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिशन है, बट सीए क्या है ना एक लॉन्ग जर्नी है, इट्स ए 4 years 5 years जर्नी, वो भी तब जब तुम्हारा सारा कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है. तो दे नीड द पेशेंस, तुमको एवरी सेकेंड लगेगा कि नहीं पता नहीं आगे वाला एग्जाम निकलेगा कि नहीं, आगे वाला एग्जाम निकल गया तो फिर पता नहीं सीए फाइनल का सारा पेपर निकलेगा कि नहीं, ट्रेनिंग अच्छे जगह से होगा कि नहीं. तो काफी ये लॉन्ग जर्नी है, इसीलिए रिक्वायर्ड टू मच पेशेंस और कंसिस्टेंसी. सो आई थिंक फॉर द सीए टैलेंट से ज्यादा 2-3 things चाहिए. टैलेंट और इंटेलिजेंस कम भी रहेगा तो चलेगा, बट द रिक्वायर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी द फर्स्ट की. तीसरा जो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी, मतलब यू कैन कन्वर्ट इन ए सिंगल वर्ड दैट कॉल स्मार्ट वर्क. हार्ड वर्क तो ठीक है, दैट्स हार्ड वर्क का तो कोई ये नहीं है, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क थ्रू द स्मार्ट वे. तो कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क थ्रू द स्मार्ट वे, ये चाहिए, दो चाहिए. और तीसरा सबसे बहुत बड़ा चीज है पेशेंस. अगर ये 3 चीज है तो बाकी ऐसा कुछ सारा तो इंसान का दिमाग ही है और सब पढ़ के ही आता है प्लस टू तक इस कोर्स में, तो आराम से निकल जाएगा. इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अचीव दिस एग्जामिनेशन वंस यू हैव दीज 3 qualities. मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आई थिंक इसी से थोड़ा मैचअप करता है कि लाइक वी ऑल नो डैट कि यू नो जितने भी सीए बने हैं, चाहे वो यंग एज में बने हैं या यू नो कितने भी एज में बने हैं, हर एक का अपना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है. एग्जैक्ट. बट हाँ, एंड सबकी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, एंड सबकी अपनी एक प्लानिंग होती है. तो लाइक व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, लाइक आप कैसे प्लानिंग करते थे पढ़ने के लिए? लाइक सो इफ कमिंग टू द प्लानिंग पार्ट, तो मेरा क्या था कि सो आई हैव कंप्लीटेड प्लस टू इन फ्रॉम नवोदया, और आफ्टर दैट प्लस टू हमारा कॉमर्स से था. सो आई हैव डिसाइडेड टू या ऑफ कोर्स गो फॉर द सीए कोर्स. सो सीए एक ऐसा करियर है ना जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव करियर है, बिकॉज बहुत ही कम कॉस्ट में किया जा सकता है और बहुत ही डिसेंट करियर है इन कंपेयर टू इंजीनियरिंग मेडिकल्स. इसका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आता है. तो जैसे वी स्पेशली आई कांट अफोर्ड ए ह्यूज एजुकेशन लोन. तो और दूसरा था कि हमारा जब हम 10th में थे तो केमिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था, तो आई मूव आउट टू द कॉमर्स. तो मैंने उस हिसाब से प्लानिंग करी थी सीए कोर्स. फिर हम लोगों ने जब कॉलेज हमें मिला था कोलकाता में, दैट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब अपने कॉलेज स्टार्ट हुआ, देन आई हैव इनरोल्ड फॉर सीपीटी, तभी कॉमन प्रोफेंसी टेस्ट जो पहला लेवल टेस्ट होता है. और हमारा एक दोस्तों का ग्रुप था, 2-3 दोस्त हम लोगों का ग्रुप था कॉलेज का जो हम साथ में कर रहे थे इकट्ठे. तो फिर हमारा प्लानिंग ये होता था कि हम लोग कोचिंग साथ में करते थे, और फिर कॉलेज से जो भी टाइम मिलता था कॉलेज खत्म करने के बाद तो हम उसमें सेल्फ स्टडी करते थे. और ऐसा कभी कभी होता था कि ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप स्टडी इज ए मेजर की रोल इन माय प्लानिंग. लाइक कि मेट्रो में अपने 3-4 दोस्त सफर कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग ऑन एनीथिंग. लाइक लॉ का मैंने कोई टॉपिक उठा लिया कि चलो 5 पॉइंट तुम बताओ समथिंग कुछ इंपॉर्टेंट दैट्स यूनिक एंड दैट्स थिंग इन सीपीटी टाइम का मैं बता रहा हूँ पहले कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक इन सिलेबस इन सीपीटी. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चलो एक बार समरी डिस्कशन कर लेते हैं. दैट्स द होल लॉ गेटिंग द रिवाइज इन द मेट्रो 10-15 minutes 20 minutes जो भी मेट्रो में है. तो उसने मुझे बता दिया. मैं तो हम मतलब एवरी डे इवनिंग में जब अपने कॉलेज को छोड़ते थे
तो वी हैव ए प्रॉपर प्लान, मतलब कॉलेज में या जब भी कोचिंग छोड़ते थे शाम में घर जाने से पहले, हमारा जो ग्रुप था तो एक प्लान होता था कि हम लोग ना कुछ कुछ पढ़ के आएंगे, लाइक मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लूंगा, तुम इंडियन नेगोशिएबल एक्ट देख लेना, जैसे लॉ का पेपर है तो उसमें चार पांच एक्ट के चैप्टर हम लोग डिसाइड किए, एक तुम देख लेना, एक तुम, और फिर क्या होता था मेट्रो में जब हम लोग मिलते थे या फिर कैंटीन में मिलते थे तो वी डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स, तो क्या होता था एक बार के लिए रिमाइंड हो जाता था, फिर जब दोबारा हम सेकेंड टाइम रिविजन करते थे तो सब चीज ऐसा लगता था कि एक बार पढ़ा हुआ है। और क्या होता है व्हाट आई ऑब्जर्व कि इफ एनीथिंग यू डिस्कस्ड इन ए ग्रुप, इसके लिए तुमको बहुत ही सीरियस ग्रुप पार्टनर चाहिए फॉर कॉम्पिटेटिव। तो अगर तुम ग्रुप में कोई चीज करते हो और ग्रुप में डिस्कशन करते हो तो उसका जो माइंड का रिटेंशन पावर है, माइंड का रिटेंशन पावर और ज्यादा बढ़ता है। सो दैट्स द प्लानिंग पार्ट फॉर द सीपीटी एंड आईपीसीसी, ये दोनों के लिए हमारा सेम ही प्लानिंग था। उसके बाद फिर हम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई वंस आई क्वालिफाइड द आईपीसीसी, और हम सब अच्छे फॉर्म से कर रहे थे, लगभग सारे दोस्त हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्म से, मैं जो था वो बेकर टेली में था, मेरा एक दोस्त है आदित्य वो वीडियो इंटरनेशनल में, तो सारे हम एमएनसी फॉर्म में कर रहे थे, अच्छे बड़े जिनका नाम है इंडिया में टॉप 10 में, उन फॉर्म से हमारा ट्रेनिंग चल रहा था। तो फाइनल्स के लिए काफी टाइम मिलता है सीए में, तो यू हैव टू प्लान फाइनल सीए फाइनल अकॉर्डिंगली, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो लास्ट 2 months होता है फॉर द एग्जामिनेशंस, दैट्स हाउ यू मेक द प्लान। तो प्लानिंग को 3-4 अगर किसी को ये गाइडेंस चाहिए, अगर अपने पूरा डिटेल में अपने कवर करें इन चीजों को कि प्लानिंग डिटेल्ड प्लानिंग क्या है, स्टडी क्या है, तो जो भी हुएवर द ऑडियंस एंड वांट्स टू कनेक्ट विथ मी तो दे कैन कनेक्ट मी और पर्सनली एज वेल, तो मैं उससे अपना प्रॉपर प्लानिंग्स बताऊंगा। इस पे काफी क्या होगा ना, बड़ा हो जाएगा ये ऑडियो, तो वी आर नॉट कवरिंग वेट का, वी आर कवरिंग ओनली द बेसिक पार्ट रिलेटेड टू द प्लानिंग की, ठीक है। तो दो तीन फेज में प्लानिंग बनाओ, एक तो एग्जाम से 2 महीने पहले तक तुमको सारा सिलेबस कैसे खत्म करना है, दो लास्ट 2 months का तुम्हारा क्या स्ट्रेटेजी है, लास्ट 2 month को भी 2 parts में डिवाइड करो, एक की लास्ट 15 days का तुम्हारा क्या है, मॉक टेस्ट पेपर का क्या प्रैक्टिस है। तो एवरीथिंग ना माइंड में नहीं होना चाहिए, माइंड में तो होना चाहिए, माइंड में तुम्हारा चल रहा है सब कुछ, ठीक है, देयर मस्ट बी रिटन समवेयर, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा ना प्लान पूरा रिटन होना चाहिए और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कोई लेजीनेस नहीं आना चाहिए, तो देन एवरीथिंग इज डन। और सबका इंडिविजुअल प्रेफरेंस भी होता है नीतीश, सबका लाइक इंडिविजुअल प्रेफरेंस इज लाइक कि तुमको रात में पढ़ना अच्छा है, किसी को मॉर्निंग शेड्यूल में पढ़ना अच्छा है, तो दैट्स फाइन, एग्जैक्टली वो तो पढ़ना इम्पोर्टेंट, टाइमिंग ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि सुबह में पढ़ेंगे तभी होगा या रात में, स्टडी इज इम्पोर्टेंट whenever you do as per your comfort, jab aapko comfort ho, exactly, and wo aapse connect kar payenge, niche aapki mail id aur youtube channel aa jayega, and jinko bhi connect karna hai please aap directly inse connect kar jaye, and wahan pe aap apne questions dal de and wo aapko easily answer denge, aapke liye session create kar denge, so thank you so much uske liye bhi। par mera jo next question hai ki like aapke liye जो सबसे डिफिकल्ट फेज था वो क्या था, कि लाइक जब आप एग्जाम दे रहे थे कि लाइक आईपीसीसी फाउंडेशन फाइनल कौन सा? सो बेसिकली ऑफ कोर्स सीए फाइनल इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन कंपैरिजन टू आईपीसीसी और सीपीटी, सीए फाइनल हमारे लिए बहुत टफेस्ट एग्जाम, तो उसके लिए मैंने क्या एक प्लान किया था, उसमें क्या था कि हमने कोलकाता के एक जगह पे रह के अपने एक दोस्त के साथ तैयार किया, एंड ही डिजर्व टू बी मेंशन देयर नाउ बिकॉज विदाउट हिम जो मेरा सीए निकलना पॉसिबल नहीं होता। हम दोनों ने साथ में सीए क्लियर किया था, हिज नेम इज आदित्य, आदित्य सॉ, तो ही इज आल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड करेंटली वर्किंग विद द वीडियो इंटरनेशनल, एंड तो हम दोनों साथ में स्टडी कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या प्लान क्या किया था नीतीश, की होता क्या कि तुमको सीए एग्जाम्स में एक पेपर और दूसरे पेपर के बीच में 1 दिन का गैप मिलता है, एंड यू हैव टू कवर दैट होल सिलेबस। सीए का एग्जाम जो है लगातार 18 days 20 days तक चलते रहता है, 8 papers का एग्जाम होता है वो 18-20 days चलता है, बीच में एक एक दिन का गैप रहता है, तो अब उस 1 दिन में एक पूरे पेपर के सिलेबस को कवर करना, दैट इज वेरी चैलेंजिंग थिंग, दैट्स ए मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, कि तुम उसको कवर करोगे तभी, और जिस जो चीज तुमने देख के नहीं गए तुम एग्जाम में एग्जाम से 1 दिन पहले, वो चीज शायद वहां पे तुमको क्लिक नहीं करेगा। नाउ बिकॉज न्यू सिलेबस में मैंने एग्जाम दिया था, तो एमसीक्यू वाला पार्ट न्यू सिलेबस थोड़ा सा चेंज आया, जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है, तो नाउ कुछ कुछ पेपर में क्या है 30% एमसीक्यू है और 70% जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू वाला पार्ट को भी रिवाइज करना था। तो व्हाट आई मेड द स्ट्रेटेजी कि हमने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट थे स्पेशली द थ्योरी पेपर्स
मैंने क्या किया कि पूरा बुक को मैंने अपने ऑडियो में रिकॉर्ड कर लिया। इट्स लाइक जैसे एक पेपर है ऑडिट, ठीक है। तो मैंने एक बुक लिया, जैसे मैं एक पंकज गर्ग करके टीचर है, मैं उनका काफी मानता हूँ, ऑडिट में उनका मटेरियल काफी अच्छा होता है, स्टडी मटेरियल। तो मैं उनका जैसे बुक लिया। अब क्या है कि जब तुम पढ़ोगे उस पूरे बुक को तो इट विल टेक बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो मैंने उस पूरे बुक का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, समरी है, जो एकदम बुलेट पॉइंट्स जिसको तुम बोल सकते हो, उस पूरे पूरे ऑडिट को मैंने समरी ऑडियो अपने आवाज में 7-8 घंटे का रिकॉर्ड कर लिया। लॉ का मैंने रिकॉर्ड किया था, फिर उसके बाद से डीटी डायरेक्ट टैक्स में मैंने भंवर बुराना सर का स्टडी मटेरियल को पूरा एकदम, जो उनका समरी बुक आता है उसे मैंने पूरा एकदम अच्छे से रिकॉर्ड किया था अपने ऑडियो लैंग्वेज में, अराउंड 15-16 आवर्स। तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया कि तुमको पता है कि अगर 7 घंटा तुम ये ऑडियो सुनोगे तो हर चैप्टर की समरी तुम्हारी माइंड में होगी, माइंड में होगी, वो रिवाइज हो जाएगी। तो हम क्या करते थे, दैट्स लाइक सीए का एग्जाम जनरली 2 से 5 होता है, ठीक है। अब जैसे आज मान लो पहला पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का है, तो आज पेपर खत्म हुआ, अब सेंटर से घर पहुंचने में, सेंटर से घर पहुंचने ट्रेवल करने में 1 घंटा तो मिनिमम जाता है, 1-1.5 घंटा। देन यू स्टार्ट योर आईडियो, ईयरफोन अपना लगा लो, ऑडियो चल रहा है, एकदम कंसंट्रेट होकर ऑडियो को सुनो, तुम्हारे खुद के आवाज में रहेगा तो वो सिंक करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो सिंक करते जाता है। और वंस घर पहुंचो, अब तुमको पता है जैसे दूसरा ऑडिट है, अब उसे मैंने 7-8 घंटे में पूरे स्पीड ऑडियो में रिकॉर्ड किया था, तो अब मुझे पता है कि मेरे पास टोटल 30-40 आवर्स हैं फॉर रिवीजन के लिए, 30-35 आवर्स है पूरे 1.5 दिन में, जो पूरे 1.5 से 1.75 दिन का जो गैप मिलता है उसमें अगर तुम सोने का आवर्स हटा दो तो अराउंड 30 आवर्स फॉर द रिवीजन। अब 7 आवर्स में मैं पूरे ऑडिट को रिवाइज कर पा रहा हूँ। तो मेरे को लगता था कि हम मैंने उस बीच में थ्योरी पेपर्स को, हर एक थ्योरी पेपर्स को एटलीस्ट 1 से 2 बार रिवाइज किया बिकॉज ऑफ ऑडियो। फिर क्या होता है ना, जब तुम्हारा ऑडियो चलते रहता है और तुम नोट्स को एकदम सामने में रखो तो वो काफी फास्ट रिवीजन होता है। तो ये एग्जैक्टली ये मेरा तरीका था। मे बी किसी को हो सकता है कि उसका उसको चार्ट पेपर देख के, मतलब चार्ट में समरी देख के ज्यादा माइंड उसका क्लिक करता हूँ, तो उसके लिए वो तरीका है। लेकिन हर किसी के पास वो एग्जाम के बीच का, क्योंकि वॉट एवर यू रीड एंड वॉट एवर यू स्टडीड उसका मीनिंग तभी है जब तुम उसको प्रेजेंट कर पाओ एग्जाम। सपोज करो मैंने बहुत पढ़ाई किया, बहुत मेहनत किया, बट एग्जाम में लिखते वक्त मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा, तो फिर उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे स्मार्ट टैक्टिक्स चाहिए कि तुम्हारा उस एक दिन का क्या स्ट्रेटेजी है। सो आई कैन इवन से द होल टेक अवे ऑफ दिस पॉडकास्ट कि कोई भी सीए एग्जाम्स किसी भी स्टेज में दे रहे हो तो अपने उस बीच का जो एक दिन का गैप है उसका स्ट्रेटेजी 2 महीना पहले तैयार करो। एंड उस स्ट्रेटेजी को जब तुम मॉक टेस्ट देते हो, एक मॉक टेस्ट तो पक्का देना चाहिए, मॉक टेस्ट देते हो तो उस स्ट्रेटेजी को उसमें अप्लाई जरूर करो, उस मॉक टेस्ट में अप्लाई जरूर करो और देन उस स्ट्रेटेजी को फाइनल एग्जाम में। तो तुम्हारे पास अगर वो एक दिन के गैप का स्ट्रेटेजी नहीं है कि उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, वेटेज के हिसाब क्या होता है, सीए इंस्टीट्यूट पहले से ही वेटेज वेज देती है, इस चैप्टर से इस एरिया से इतने मार्क्स आएंगे, तो उस हिसाब से तुम एफर्ट कितना देना है, तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। दैट्स द होल टेक की स्ट्रेटेजी फॉर दिस एग्जाम। या एंड ये बहुत ही आई थिंक स्मार्ट तरीका है कि लाइक आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। अब डिपेंड भी करता है कि सामने कौन है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है पढ़ने का, बिकॉज आप पढ़ोगे तो फिर भी वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका टाइम भी यू नो मैनेज हो जाएगा। या करेक्टली नहीं था। और क्या होता है ना, सीए लोगों को इंटर्नशिप करने पड़ती है, आईपीसीसी जो भी सीए स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू ट्रेवल टू क्लाइंट प्लेस और मे बी द वेयर हाउस, मे बी टू डीलिंग विद द क्लाइंट्स, तो बहुत सारा ट्रेवलिंग्स होता है। तो उसमें क्या है, तुम मेट्रो में, बस में, कार में ट्रेवल कर रहे हो, अगर तुमने ऑडियो बुक बना लिया, और आई विल प्रेफर कि तुम खुद के लैंग्वेज में बनाओ पढ़ के, तुमको लगे जल्दी क्लिक करेगी वो। एग्जैक्टली, अब मान लो तुमने ऑडिटिंग ऑडिट का पेपर उठाया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, अब ऐसे क्या है, ऐसे की समरी जो है पूरा रिकॉर्ड कर डालो ऑडियो में और आराम से कितने बार भी सुनो, चाहे तुम इवन जो भी प्लेस पे हो, टाइम मिले ईयरफोन लगा के सुनो, कुछ कैरी करने का भी जरूरत नहीं है। तो इट्स ए मोस्ट इजीएस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे, स्मार्टेस्ट वे टू स्टडी। या बहुत सही चीज़ है ये, एंड आई थिंक सबको ही अप्लाई करना चाहिए जो कर सकते हैं। एंड भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लाइक जो भी एक सीए जो प्रिपरेशन करता है एंड जो सोचता है, तो लाइक आपके एक्सपीरियंस से या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि लाइक कितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए? सो फॉर मी आई थिंक इफ एनीवन वांट्स टू कंप्लीट द सीए विद इन द टाइमलाइन, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरीथिंग,
आई सजेस्ट कि एटलीस्ट उन्हें कुछ कुछ पोर्शंस जो है, क्या है कि जो पहला एग्जाम होता है फाउंडेशंस, उसके बहुत सारा सिलेबस जो है वो तुमको प्लस टू के सिलेबस से मैच करता है, प्लस वन प्लस टू के सिलेबस से। तो मेरे हिसाब से 10-20% प्रिपरेशन क्लास 11 से स्टार्ट करना चाहिए, 10-20% प्रिपरेशन जो है 20-30% क्लास 12 में करना चाहिए, रेस्ट 50% 12th बोर्ड के बाद करना चाहिए। सो इट्स लाइक कि जो सीए एग्जाम का शेड्यूल होता है वो मई जून में होता है, पहला एग्जाम जो होता है जस्ट 12th के बाद मई या जून में होता है, और तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होता है मार्च में, तो तुम्हारे पास हार्डली 2 महीना का टाइम रहता है। तो दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि सिलेबस 11-12 से काफी मैच करता है। तो 11th में क्या होता है कि पढ़ने का उतना प्रेशर नहीं होता है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम तो 12th में होता है। तो 11th वाला जो साल का टाइम है वो यूटिलाइज करना चाहिए अगर किसी को सीए बनना है, तो सीपीटी का जो पहला एग्जाम है सीपीटी या फाउंडेशन सभी बोल लो न्यू सिलेबस में, उसके सिलेबस को थोड़ा बहुत कवर करना, ज्यादा प्रेशर लेके नहीं, बट एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में रहे कि क्या है, एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए 12th में। सो 11th इज द राइट वे, राइट स्टार्ट, अगर 11th क्लास इज द मोमेंट वेयर यू कैन स्टार्ट द थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड टू मेकिंग द स्ट्रेटेजी। सो इफ यू वॉन्ट टू बी प्रोएक्टिव, लाइक एनीथिंग तुम चाहते हो कि पहले मैं थोड़ा प्रोएक्टिवली करूँ, तो 11th क्लास जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये थोड़ा सा पर्सनल है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो हम मूव ऑन कर सकते हैं कि लाइक या आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, लाइक आर यू सिंगल राइट नाउ? या आई एम वेरी मच सिंगल राइट नाउ, राइट नाउ आई एम वेरी मच सिंगल, एंड मे बी हमेशा ऐसा नहीं था, सो करेंटली आई एम राइट नाउ इज द सिंगल। सो बेसिकली द रीजन बिहाइंड दिस, यू कैन ऑल्सो सी ए कोर्स थोड़ा सा क्या होता है ना, टाइम डिमांडिंग, इवन तुम क्वालिफाई भी करो तो काम थोड़ा हेक्टिक रहता है, बट दैट्स नॉट अ एक्सक्यूज, मेनी ऑफ माय सीए फ्रेंड हैव इन अ रिलेशनशिप, बट आई एम करंटली आई एम सिंगल। या सही है, एंड जिससे आप वर्क पे ज्यादा फोकस कर पाओ, सो आई थिंक दैट्स आल्सो द रीजन। नो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई डोंट थिंक इफ यू आर इन अ गुड रिलेशनशिप तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता है, फोकस या कंसंट्रेशन इवन बढ़ता है, इफ यू हैव अ गुड पार्टनर, आइदर गर्ल्स हैव अ गुड बॉयज पार्टनर और लड़के को अच्छी बंदी मिल गई, मतलब अंडरस्टैंडिंग जिससे तुम्हारा मैच कर रहा है, तो आई थिंक दैट इंक्रीज द आवर प्रोडक्टिविटी। सो इट डिपेंड करता है कि रिलेशनशिप में तुम्हारा पर्पस क्या है, व्हाट्स द पर्पस, व्हाट्स द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, व्हाट्स द कंपैटिबिलिटी चेक जिसको बोलते हैं। तो अगर तुम एक अच्छे रिलेशनशिप में हो तो आई थिंक इट्स इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीज द मे बी योर वे ऑफ थिंकिंग, मे बी वो कहीं पे हेल्प करे तुमको, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो मेरा थिंकिंग ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप या कुछ भी तुम्हारे पढ़ाई या इसका पढ़ाई और उससे कुछ लेना दे, रियल रिलेशनशिप का मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो कि आजकल चल रहा है। हाँ, फ्रेंड विद बेनिफिट टाइप्स रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप इज ए गुड थिंग इफ यू आर इन ए गुड रिलेशनशिप विद ए गुड पर्पस। सो इफ योर रिलेशनशिप फॉर द गुड पर्पस, देन इट्स ऑलवेज इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, मे बी द पर्संस डिफर एंड टू डिफर द ओपिनियंस, बट माय नो इट्स डिफिकल्ट, या इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड द गुड पार्टनर, सो एक्चुअली ये तो रिलेशनशिप की बात हुई, हमारा जो टॉपिक है वो सी है, सो लाइक मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि लाइक हमने क्या किया था कि बहुत सारे जो हमारे कॉन्टेक्ट्स में सीए जो स्टूडेंट्स हैं जो बनना चाह रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने एक्चुअली एक पोल किया था कि अगर आप सीए से मिलोगे कोई सीए से जो बन चुका है तो आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे बेसिकली। तो 10 क्वेश्चंस आए थे हमारे पास, जिसमें से हमने 2 चूज किए, बिकॉज सबका एक जो कॉमन क्वेश्चन जो था, ये 1 या 2, वो सबका सेम था, तो हमने वो पिकअप किया है। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है कि लाइक जिन्होंने लाइक सीए का एग्जाम दिया एंड जिनका यू नो आईपीसीसी निकल गया बट फाइनल निकल नहीं पाया, तो लाइक उनको सीए के अलावा क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके पास, लाइक? सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द करियर पर्सपेक्टिव्स। ऐसे काफी लोग होते हैं, सो क्या है ना कि जिनका सीए आईपीसीसी निकल गया, मीन सीए में 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होता है, इतने डिस्कशन के बाद ये तो सबको क्लियर हो गया हो। एग्जैक्टली। अब सेकेंड लेवल निकलने के बाद क्या होता है, फाइनल निकालना इज अ टॉप, और फाइनल निकालोगे तभी सीए का तुम्हें साइनिंग अथॉरिटी मिलेगा, सीए का मेंबरशिप मिलेगा। तो सीए इंटर और आईपीसीसी बोल लो, उसे निकालने के बाद बहुत सारे बच्चे, बहुत मतलब लाख्स में बच्चे जो है फाइनल नहीं निकाल पाते, उस बीच में ना ट्रैप फंस जाते हैं,
तो उनके लिए, बट आज के टाइम में बहुत अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी PSUs हैं। तो आई ऑलवेज प्रेफर्ड कि, या ये बोलूँ मैं सजेशन अगर बोलूँ तो, अगर किसी का IPCC से निकल गया ना, तो पहले आर्टिकलशिप उसको 3 साल अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, अच्छे से काम सीखना चाहिए। फाइनल अगर उसके बाद नहीं भी निकलता तो बहुत अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, यू कैन ज्वाइन एनी प्राइवेट MNCs जहाँ पे तुमको जूनियर लेवल जो एनालिस्ट का रोल होता है, जो जो एसोसिएट कंसल्टेंट का रोल होता है, या फिर बहुत सारा ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे CA इंटर चाहिए, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट PSU है जहाँ पे CA इंटर वालों की हायरिंग होती है। तो इट्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट तुमको काम आना चाहिए। तुमने ट्रेनिंग, मतलब एक होता है ना ट्रेनिंग, तुम डमी कर रहे हो, मतलब कि तुम कुछ सीख ही नहीं रहे हो, जस्ट इट्स लाइक ए टाइम पास। सो बेसिकली ठीक है, एक तो है कि तुम्हारे पास CA फाइनल नहीं निकला तो CA की फुल फ्लेश डिग्री नहीं, तो दूसरा चीज तुमको काम क्या दिलाएगा कि हाँ भाई हमको काम आता है। मेरे और CA में इतना ही अंतर है कि CA के पास डिग्री है, साइनिंग अथॉरिटी है, और मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, और मेरे पास CA का ठप्पा नहीं है फुल फ्लेज, बट मुझे काम सारा CA वाला आता है। तो अब जैसे मान लो कि मैं कल के डेट में कुछ ऑफिस ओपन करता हूँ, या फिर बड़े बड़े फॉर्म है जिनको चाहिए होता है, तो सब CA तो साइन करने का जरूरत नहीं है, साइन तो वही करता है जो पार्टनर लेवल पे होता है, उसी को साइन करने का, बाकी काम करने के लिए भी तो बहुत सारे रिसोर्स चाहिए होते हैं, तो वहां पे CA एंटर का बहुत रिक्वायरमेंट है कि तुम ठीक हो, ठप्पा साइन करना है, दैट्स आई विल डू, बट जो बाकी काम है, ऑडिट करना है, क्लाइंट से डील करना है, अगर वो तुमको आता है तो काम मिलना आज के टाइम में ऑन एन एवरेज, अभी जो सर्च चल रहा है CA इंटर का पैकेज मेट्रो सिटी में, अभी 5 से 4.5 से 6 लाख के बीच में आराम से मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन योर स्किल, 4.5 to 6 लाख आराम से मिल जाएगा तुम्हें। तो इट्स नॉट बैड इफ यू आर अर्निंग 40 to 50 thousand इनिशियली, राइट? सारे एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए, तो एक स्टेज आता है इंटर्नशिप का, तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइक बड़ी कंपनीज होती हैं एंड एक होती है नॉन स्टैब्लिश कंपनी जो अभी स्टैब्लिश हो ही रही हैं या ग्रो कर रही हैं, तो उनको कौन से इंटर्नशिप्स चूज करने चाहिए जो इनको अच्छा फ्यूचर होगा बेटर? सो बेसिकली देखो CA यहाँ पे क्या होता है, कुछ बड़े फॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांडेड फॉर्म है, टॉप 10 फॉर्म है, जैसे बिग फोर है। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन PwC, तो मुझे पता है कि बिग फॉर्म में ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटीज लाइज इन बिग फॉर्म, देयर इज अ ब्रांड वैल्यू ऑफ दैट बिग। तो बिग फोर का अलग क्राइटेरिया है अपना इंटर्न सेलेक्ट करने का, ऑफ कोर्स मे बी रेफरेंस चाहिए होता है, और मे बी ये चाहिए होता है कि तुम्हारा अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो, तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो अटेम्प्ट भी यहाँ पे IPCC लेवल तक मैटर, IPCC लेवल में इंटर्नशिप लेने में। मुझे लगता है कि अगर बिग फोर या टॉप 10 फॉर्म में किसी को मिल रहा है, बिग फोर हो गया, GT, BDO, DV देसाई, हरिभक्ति ग्रुप हो गया, तो इन सारे फॉर्म में अगर मिल रहा है तो ऑफ कोर्स जाना चाहिए, ठीक है? अगर अब क्या है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, आज के टाइम में क्या है कि तुमको टेक्नोलॉजी को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, Exactly. और टेक्नोलॉजी जिस लेवल का टेक्नोलॉजी यूज होता है इन MNC एस्टेब्लिश फॉर्म में, वो छोटा फॉर्म अफोर्ड नहीं कर पाएगा उस टेक्नोलॉजी का। सो इफ यू वांट टू लर्न कि हाउ द ऑडिट या हाउ द एनीथिंग्स मींस एनीथिंग्स रिलेटेड टू फाइनेंस, ऑडिट हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, एनीथिंग द वर्क्स व्हिच बिलोंग्स टू द सेम, तो यू नीड डू नॉट नीड टू बी एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड। एक CA का बहुत वाइडर स्कोप ऑफ एरिया है, मतलब टैक्स देख सकते हो, ऑडिट देख सकते हो, तुम इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, बहुत सारा कुछ। तो सब में एक्सपर्ट बनने से, सब में थोड़ा थोड़ा जानने से, ये मेरा व्यू है कि तुमको किसी एक एरिया में एक्सपर्ट होना चाहिए, और ये अपॉर्चुनिटी तुमको बड़ा फॉर्म में मिलता है कि तुम अगर किसी एक डिवीजन में ज्वाइन करते हो तो उसी में तुम्हारा एक्सपर्टीज होता है, और तुम वहां से जो ब्रांड वैल्यू लेके निकलते हो तो तुम उसमें मास्टर होते हो उसमें। सो इफ यू वांट टू डू एक्सपर्टीज इन वन सिंगल फील्ड रिलेटेड टू CA करियर, वांट टू डू ए हॉट द वर्क इज गोइंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क होता है, इफ यू वांट टू लर्न ए न्यू टेक्नोलॉजी, इफ यू वांट टू
यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक ऑल्ट्रेक्स हो गया, टेब्लू हो गया, हाउ टू यूज रोबोटिक ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंस, देन ऑफकोर्स दीज बिग ब्रांड्स नेम इज टू बी द फर्स्ट प्रेफरेंस. क्योंकि सी ए फाइनल होने के बाद अगर तुम जॉब के लिए मार्केट में जाओगे तो एवरी कंपनीज एंड एवरी इंडस्ट्री प्रिफर द पर्सन हु गॉट द ब्रांड वैल्यू, हु डन द इंटर्नशिप इन दैट टॉप 10 फर्म. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर तुम मिड साइज या छोटा फर्म से काम करते हो तो तुम्हारा करियर अच्छा नहीं जाएगा. ऑफकोर्स द लर्निंग वाली डिपेंड्स ऑन योर, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि सारा कंटेंट, सारा चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, यूडमी पे अवेलेबल है. तो अगर मान लो कि कुछ चीज तुम मान लो कि ठीक है मुझे, मैं छोटे फर्म में कर रहा हूँ, यहाँ पे उतना टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता, थिंग्स आर गोइंग ओनली एक्सेल यूज होता है, वर्ड यूज होता है, एमएस ऑफिस यूज होता है, उसके अलावा अलग टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता, तो ठीक है नहीं होता है तो तुम अलग से एफर्ट लगा के सीख लो. राइट ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है. तुम्हारा दोस्त है बिग फोर में, तुम्हारा दोस्त है कोई जान पहचान का, उनसे पूछो कि भैया आजकल क्या नया टेक्नोलॉजी फाइनेंस में यूज हो रहा है. तुम अलग से कोर्स कर लो उसका. राइट तो लर्निंग कहीं पे भी कर सकता है अगर कोई सीखना चाहे. तो मेरे हिसाब से अगर मिल रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ प्रेफरेंस देना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए. इंटर्नशिप तो करना है, दैट्स ए मैंडेटरी. तो कहीं पे भी रहो तो तुम अपना लर्निंग का तरीका सीखो और अपना, और सेकंड थिंग की कम्युनिकेशन स्किल भी, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेबल, मतलब कि तुम इंटरव्यू में का जो, मान लो कोई भी जॉब इंटरव्यू, आज अगर मैं सीए हूँ और मुझे कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है कहीं नई कंपनी में, मान लो तो वो कितने देर की इंटरव्यू होगी, आधे घंटे. तो 30-35 मिनट में तुम अपने आप को जॉब, अगर तुम कहीं जॉब के लिए जाते हो तो ये क्या होता है, यू हैव टू सेल योर सेल्फ इन 30 मिनट. एग्जैक्टली, यू हैव टू सेल योर सेल्फ इन 30 मिनट, 40 मिनट. तो उस लेवल में तुमको प्रेजेंटेशन देना है. हो सकता है कि यू आर द लकी इनफ, यू गॉट द क्वेश्चन इन द इंटरव्यू दैट्स यू प्रिपेयर्ड और दैट्स यू हैव सीन इन द लास्ट नाइट. राइट एग्जैक्टली, तुम लास्ट नाइट में जो देख के गए वही आया इंटरव्यू में क्वेश्चन, यहाँ लग काम कर गया and you are qualified for a big role. और वहीं तुम्हारे सामने वाला बेंच पे मे बी द पर्सन इज मोर टैलेंटेड देन यू, मोर नॉलेजेबल, लेकिन वो अपना नॉलेज प्रेजेंट नहीं कर पाए. नहीं, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, तो कम्युनिकेशन स्किल जो सॉफ्ट स्किल है कम्युनिकेशन, मे बी इंग्लिश तुम्हारा उतना अच्छा नहीं हो, बट ऑफकोर्स अगर सीखना चाहो तो इंग्लिश अच्छा हो सकता है. सीखो तो मैं तो बताऊँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंग्लिश का रिक्वायरमेंट पड़ता है, बट कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए. यस एग्जैक्टली, अगर तुमको टेक्निकल नॉलेज अच्छा है तो यू हैव, तुमको उसे बेचने आना चाहिए. लाइक मेरा प्रोडक्ट कुछ भी बहुत अच्छा है बट हम उसे बेच नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ ना. तो यू हैव टू, यू नीड टू नो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप कि अपने आप को और अपने स्किल्स को कैसे तुम बेचोगे, उसका मार्केटिंग कैसे, ये तुमको सीखना चाहिए जब तुम वेरी बिग पॉइंट. एंड आई थिंक सबको ये चीज पता होनी चाहिए जो कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. बिकॉज आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, इट मीन्स कि लाइक आप वो चीज शेयर कर रहे हो कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा आपने भी मिस किया है. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. एंड और इवन जो बच्चे अभी स्कूल में है, अगर तुमको लगता है कि तुमको स्टेज फियर, तो गो ऑन स्कूल स्टेज. स्कूल में मजाक बनेगा, ठीक है वो ठीक है, सब अपने दोस्त यार हैं, वहां मत सोचो कि यहाँ मजाक बनेगा. लेकिन अगर स्टेज फियर, प्रेजेंटेशन का फियर हमेशा रह गया ना, तो हो सकता है कि लाइफ में मजाक बन जाएगा, तुम्हारा कैरियर में मजाक बनना स्टार्ट हो जाएगा. तो बेटर अगर कोई स्कूल के बच्चे जो 9th-10th में है, 11th और बाद में किसी भी फील्ड के हो, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनी फील्ड का हो, मस्ट इंश्योर कि तुम अपने आप को स्टेज फियर दूर करते हो. 5 लोगों के सामने अगर तुमको कुछ प्रेजेंट करना हो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. मैं रियली कहता हूँ जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंटर करोगे तो तुमको लगेगा 9th-10th में अगर एक्स्ट्रा करिकुलर सब करना चाहिए, उसका पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर भी सेम लेवल पे इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू अटेंड द क्विज कॉन्टेस्ट, असेंबलीज एंड एवरीथिंग. आप अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपकी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आई थिंक वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है. हाँ, वो बाद में बाद में दैट फियर एंड दैट अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो रह जाएगी, हमेशा रहता है. मैंने देखा है अपने एक दो दोस्तों में. तो मैं ये तो है, दैट्स यू हैव टू फोकस ऑन. और ऐसा जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक जब भी आप लाइक फाइनल का एग्जाम देने जा रहे थे या यू नो सब कुछ आपने क्लियर कर लिया, तो लाइक आपने भी ये चीज सुनी होगी कि यू नो सीए के जो एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बट उनमें से सबका नहीं हो पाता है,
बिकॉज यहाँ पे कोई 100% एश्योरिटी नहीं है कि आपका हो ही जाएगा, उसमें से भी कुछ बच्चों का होता है। तो लाइक व्हाट वाज योर फीलिंग कि आप उस टाइम कैसा था आपका फीलिंग कि लाइक आप एक्साइटेड थे, स्केयर्ड थे? लाइक सो एवरीवन इज स्केयर्ड, आई थिंक इवन जिसका बहुत अच्छा गया ना वो एक्सेप्टिंग द रैंक कि उसको रैंक वन आ जाए या फिर अच्छा रैंक आ जाए, तो सब स्केयर्ड रहते। ये बहुत ही अनसर्टेन एग्जाम है, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है और बहुत लंबा एग्जाम है, ठीक है, और इसके रिजल्ट परसेंटेज भी बहुत ज्यादा खुश करने वाला नहीं है। दैट्स आल्सो अभी थोड़ा बेटर भी हुआ है तो सो इट्स लाइक फाइनल में तुम्हारा जो बोथ ग्रुप का होता है, जो बच्चे बोथ ग्रुप अटेम्प्ट किए और बोथ ग्रुप जिन्होंने निकाला है उनके रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम होती है, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 तक होते ऑन एन एवरेज 10-15% की जो रिजल्ट परसेंटेज होती है, तो 100 में से 85-90 बच्चा तो फेल ही करेंगे ऑन एन एवरेज रिजल्ट देखो। तो रिजल्ट बहुत डिमोटिवेटिंग होता है, बट वी हैव टू सिक्योर द प्लेस इन दैट 9-10% तभी तुम्हारा हो सकता है। वही तो मैं बोला ना कि तुम्हारा यूएसपी क्या है, यू हैव टू फाइंड योर यूएसपी इन योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। जैसे मैं बता सकता हूँ कि मेरा यूएसपी मेरा वो ऑडियो रिकॉर्डिंग था, मैंने सारे सब्जेक्ट मिला के टोटल 56 आवर्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग की है अपने आवाज, अभी भी मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, और सिर्फ मेरे ऑडियो से मैं नहीं, मेरे 3-4 दोस्त भी पास हुए, ठीक है। तो मेरे पास मेरा यूएसपी वो था कि मुझे पता था कि मैं एक दिन में पूरा सिलेबस कवर अप कर लूं। ये यूएसपी मुझे लेट से पता चला, अगर मुझे मैं इसका डिस्कवरिंग जो है थोड़ा पहले कर लेता 5-6 महीना तो शायद मैं मेरे मार्क्स और अच्छे आते, राइट। तो तुमको अपना प्रिपरेशन में यूएसपी ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को एकदम सिंपल बनाना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक ऐसे तुमको सीए का सिलेबस को लेना है जैसे मान लो अपने नॉवेल पढ़ना है स्टार्ट किए, पता ही नहीं चलता है सुबह से कब शाम हो गया कब रात हो गया, अपने खोए हुए पढ़े। तो उस लेवल का डेडिकेशन लाने के लिए कोई ना कोई बोरिंग चीज में भी इंटरेस्टिंग चीज ढूंढना पड़ेगा। तो तुमको अगर अपना यूएसपी पता है जो तुमको दूसरे से डिफरेंशिएट करता है तो आराम से हो जाएगा, वो तुमको अपने प्रिपरेशन में दिखाना पड़ेगा। और दैट्स जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई रियली वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि लाइक इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी आ रहे हैं एंड यू नो मैं कहीं पे पढ़ रहा था, आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था कि लाइक 2020 और 2021 तक का जो उन्होंने सर्वे किया है जिसमें ये बताया गया है कि लाइक 41,000 से भी ज्यादा जो स्टार्टअप्स है उसको गवर्नमेंट ने परमिट दिया है, जिनमें से 39,000 स्टार्टअप्स ने बोला है कि हम 4,70,000 जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और हम देंगे। ऑलराइट, सो आई थिंक स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया में एंड आई थिंक ये भी कहा जा रहा है कि लाइक इंडिया करंटली हाउस द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, सो आई थिंक विच इज अ वेरी ग्रेट न्यूज। तो लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? या ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट न्यूज, इंडिया इज ग्रोइंग वेरी एफिशिएंटली ग्रोइंग एंड इन द स्टार्टअप एरिया, बट क्या है कि दैट्स द आल्सो ए करियर ऑप्शन फॉर सीए एज वेल इफ यू वांट टू डू एनीथिंग टू कम विद द आइडियाज विद द स्टार्टअप। तो स्टार्टअप इंडिया में अभी अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स बहुत है, दिक्कत क्या होता है कि स्टार्टअप में है ना स्टेबिलिटी इशू आता है, गोइंग कंसर्न इशू आता है। दूसरी बात है कि अभी के टाइम में अभी जो इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ है वो काफी अच्छा हुआ और धीरे धीरे हो सकता है कि बहुत सारे हमें वही स्टार्टअप दिखते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर एक लाइमलाइट में आ जाते हैं, बट बहुत हजारों स्टार्टअप हैं जो फेल कर जाते हैं। सो स्टार्टअप इज ए गुड थिंग, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है तुम अभी जितना भी स्टार्टअप ऊपर आ रहा है उसमें क्या है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिनिमल है या किसी किसी में तुम ना के बराबर बोलो, वो खुद किसी पर्सन का थॉट है कि तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और आगे आना चाहिए एंड टू प्रोवाइड ए प्योर बैकअप प्लेटफॉर्म फॉर हु वांट टू रिक्स टू इन द स्टार्टअप। लाइक अगर मैं अभी जॉब छोड़ ठीक है और सपोज आई वांट टू डू समथिंग इन ए स्टार्टअप इन फाइनेंस, कुछ अपना स्टार्टअप करते हैं टैक्स रेट, सपोज मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ कुछ पोर्टल जो ऑटोमेटिक टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, राइट? सारा कुछ ऐसा करता हूँ, तो इट्स अ ह्यूज रिस्क, हो सकता है दैट्स एक्सेप्टेबल और दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय द कस्टमर। एग्जैक्टली, द चांसेस ऑफ फेलियर इज वेरी हाई। आई एम टेकिंग टू लिविंग माय द वेल सेटल्ड जॉब। तो गवर्नमेंट को एक अच्छा बैकअप प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि लोगों में क्या होगा ना फिर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और भी अच्छे यूथ आएंगे स्टार्टअप एरिया में। तो आई थिंक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अभी बहुत कम है, गवर्नमेंट को और इन्वॉल्व होना चाहिए स्टार्टअप में, बट इंडिया इज ग्रोइंग, इट्स इंडिया डिजर्व एप्रिसिएशन टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम एंड दैट इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय द पीपल
not by the government. So whoever, I have a huge respect for the people who is doing a startup and who is creating at least single one job. Yeah. Because to creating a job is a very difficult thing and to taking the risks. And so I have a huge respect for the person who taking risks to start the startup. Yeah. And एक चीज और अच्छी हुई है कि लाइक कोविड की वजह से आई थिंक बहुत सारे जो बाद में जो लोगों को आई थिंक आई डोंट नो रियलाइज हुआ है या व्हाटएवर इट इज, बट कोविड के बाद जो स्टार्टअप्स हुए हैं उसके ज्यादा एप्रिसिएशन हुए हैं एंड देन लाइक वो ग्रो भी हुए हैं फॉर्चुनेटली. कुछ कुछ स्टार्टअप बहुत ग्रो किए हैं, बट इट डिपेंड्स कि वो स्टार्टअप किस तरह का है. कुछ स्टार्टअप बहुत डाउन भी, जैसे तुमने सुने होंगे उबर ने कट किया अपने एम्प्लॉयमेंट का बिकॉज कैब की बुकिंग कम हो गई कोविड के टाइम. तो उनका ग्रोथ थोड़ा सा हैम्पर हुआ है. ओयो कितने सारे एम्प्लॉय को जो है निकाल दिया, उनका ग्रोथ थोड़ा कम हुआ बिकॉज होटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई. तो इट डिपेंड्स कि तुम किस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, बट हाँ वहीं पे जैसे ग्रोसरी वाला जो है स्टार्टअप है, ग्रोफर्स हो गया, बिग बास्केट हो गया, उनकी बढ़ गई क्योंकि सबको अब घर पे सामान चाहिए. तो इट डिपेंड्स कि तुम किस तरह के स्टार्टअप में, तुम्हारा बिजनेस क्या है, बिजनेस किस तरह के सेक्टर में हो और उसका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कितना है. तो इट डिपेंड्स. ऑलराइट, सो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि लाइक आपके होल एक्सपीरियंस से कि लाइक वो एक चीज जो आप हर एक सीए स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहोगे एंड वो एक चीज जो आप यू नो किसी को सजेस्ट नहीं करना चाहोगे एंड इनफैक्ट आपको भी लग रहा होगा कि यू नो ये चीज मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम. तो बेसिकली जो एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा पहले कि अगर सच में आपको सीए करना है तो सबसे पहले तो टेक ए टारगेट ऑफ मैक्सिमम 4 to 5 years, मतलब 12th के बाद. और सीए बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कोई भी अच्छा करियर तुम्हारे ग्रेजुएशन के बाद शुरू होता है और ग्रेजुएशन के एक साल बाद तुम्हारा सीए खत्म होता है. तो कोई भी ऐसा करियर नहीं है जो तुमको इतना डिसेंट प्रोफाइल में. तो सीए को बहुत हाइप जो मार्केट में बना हुआ है ऐसा कुछ नहीं है. सीए भी एक नॉर्मल कोर्स ही है और इसे भी बहुत अच्छे से पढ़ के स्टडीज से निकाला जा सकता है. इट्स ऑल्सो ए प्रोफेशनल डिग्री जस्ट लाइक अदर प्रोफेशनल डिग्री. ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ आप कीजिए सीए. अगर आपको करना है, आप एवरेज हैं स्कूल में, बिलो एवरेज हैं, इसका इससे कोई मतलब नहीं, आप आराम से सीए कर सकते. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. एंड वन थिंग जो मैं नहीं सजेस्ट करना चाहूंगा, सो वन थिंग, अगर आप सीए करना चाहते हो तो अवॉइड कीजिए जो कॉलेज आप चूज कर रहे हो. सो देखिए कि वो कॉलेज अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉलेज है लाइक सेंट जेवियर्स गोयनका या फिर SRCC हो गया, नई दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ अच्छी कॉलेज जहाँ पे आपको मॉर्निंग बैचेस मिल रहे हैं, तभी तो इतने अच्छे कॉलेज में आप जाएंगे. या तो सबसे टॉप कॉलेज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या तो सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है बीकॉम में. अगर आप सीए के स्टूडेंट हो तो आप एडमिशन लो वहाँ पे. ठीक है, बीच के कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई फायदा नहीं है. तुम अगर बीच के कॉलेज से बीकॉम करते हो तो कोई नहीं करेगा और फिर इंडिया में क्या है कि फिर तुमको अटेंड करके अपना टाइम भी वेस्ट करना होगा, तो उससे सीए का प्रिपरेशन भी इम्पैक्ट होगा. तो आइदर या तो टॉप कॉलेज में मिल रहा है तभी एडमिशन लो, या फिर फॉर द सेक ग्रेजुएशन करने के लिए. अब तो सीए का डिग्री भी पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल का होता है, तुम सीए के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते. तो अगर फिर भी तुमको लगता है कि बीकॉम करना चाहिए और मेरा भी यही है कि ग्रेजुएशन करना चाहिए, तो कोई ऐसा कॉलेज से लो जो एकदम ही बिलो द बेल्ट कॉलेज हो बट तुमको वहां से डिग्री मिल जाए बीकॉम, क्योंकि पढ़ाई तो तेरी सब सीए में हो जाएगी. ठीक है, डिग्री चाहिए बीकॉम की, तो बिलो द बेल्ट के बहुत सारे कॉलेज हैं, वो कॉलेजेस लो. या तो टॉप या सबसे बॉटम का कॉलेज लो, बीच का कॉलेज में एडमिशन लेने से बस टाइम वेस्ट. एंड ये आई थिंक सबको आई थिंक मानना चाहिए एंड करना चाहिए. मैं तो ये बोलूंगा कि आप इस एडवाइस को लो एंड इसको आप अप्लाई करो. सो थैंक यू सो मच इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए एंड थैंक्स, थैंक यू ऑर्गेनाइज करने के लिए. आई होप आप आओगे नेक्स्ट टाइम. श्योर ब्रो, आफ्टर दैट पोस्ट दैट पॉडकास्ट, अगर कोई भी बच्चा डिमोटिवेट फील करता है इन कोर्स के बीच में फंसा हुआ है या डिमोटिवेट फील करता है या उसको लगता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे प्लानिंग करे, कैसे स्ट्रेटेजी करे, तो जस्ट पिंग मी ऑन माय ईमेल और मुझे बस एक मैसेज कर दो, आई विल कनेक्ट विद यू. या फिर हो सके तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डाल देना नितीश. या सो तो पिंग मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर माय फर्टर्निटी इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन. देन इट्स अ फीलिंग ऑफ प्राउड कि अगर कोई बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करता है, मतलब ही वांट्स टू बी पार्ट ऑफ आवर सीए फर्टर्निटी. तो I'll appreciate and to provide the support as much as possible, whatever the chance, from study to resources to anything.
डिस्क्रिप्शन आप अभी जाके क्लिक करें एंड आपको कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. ओके और मैं बताना चाहता हूँ मुझे सीए बने हुए इस जनवरी में 2 साल होने वाले. आई एम करेंटली एसोसिएटेड विद द पीडब्ल्यूसी इन स्टेटरी ऑडिट डिवीजन एंड दैट्स द माय प्रोफाइल एज ऑफ नाउ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप विद द वन ऑफ द रेपुटेटेड फर्म दैट्स कॉल्ड बेकर टेली टीवी देसाई एंड हरिभक्ति. सो दीस आर द फर्म्स वेयर आई दैट्स माय प्रोफेशनल प्रोफाइल. यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन एज वेल. दैट्स नेम इज अमन. All right. Thank you so much for watching this video and thank you, sir. Yeah, thanks. Thank you so much for watching this video. I hope you got to learn something from this. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. एंड प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं. सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन.